बाबा काशी विश्वनाथ का शहर बनारस एक धार्मिक नगरी होने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संसदीय क्षेत्र है। यही वजह है कि शहर काशी की संवेदनशीलता को देखते हुए योगी सरकार ने यहां भी कमिश्नरी सिस्टम लागू किया था, जिससे कम से कम प्रधानमंत्री के क्षेत्र में कानून व्यवस्था टाइट रहे। लेकिन लगता है पुलिस प्रशासन बनारस की सुरक्षा व्यवस्था को भी हल्के में लेने लगा है। तभी तो गुंडे बदमाशों के खिलाफ बीजेपी नेताओं की शिकायत के बावजूद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है, जिसका अंजाम ये होता है कि शिकायत करने वाले बीजेपी नेता पशुपतिनाथ सिंह की जब पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, तब जाकर पुलिस एक्शन में आती है। यूपी की सत्ता में आने के बाद जिस बनारस का सीएम योगी सैकड़ों बार दौरा कर चुके हैं, उसी काशी के सिगरा इलाके में बुधवार को बीजेपी नेता पशुपतिनाथ सिंह की बदमाशों ने लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी, क्योंकि उन्होंने इलाके के शराब ठेकों के बाहर शराब पीकर मारपीट करने वालों को टोक दिया था। बीजेपी नेता ने पॉश एरिया जयप्रकाश नगर के और इसके आसपास के इलाकों में सक्रिय मनबढ़ युवकों के गैंग 307 की शिकायतें पुलिस तक पहुंचाई थी। मई से सितंबर के बीच शराब ठेके के बाहर इस गैंग के उपद्रव की तस्वीरों को भी उन्होंने कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव को भेजी थी और विधायक ने भी पुलिस को इसकी शिकायत कर कार्रवाई के लिए कहा था, लेकिन पुलिस ने शिकायतों को नजरअंदाज किया और अंत में इस लापरवाही की कीमत बीजेपी नेता पशुपतिनाथ को जान देकर चुकानी पड़ी। तो वहीं उनका बेटा भी बुरी तरह जख्मी होकर बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। हॉकी लाठी डंडे से लैस 40 से 50 युवकों की भीड़ पिता पुत्र पर दुश्मन की तरह टूट पड़ी थी। इस घटना में जान गंवाने वाले बीजेपी नेता पशुपतिनाथ सिंह का पार्टी में कितना बड़ा कद था, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि खुद डिप्टी सीएम केशव मौर्य शनिवार को बनारस दौरे पर आए और बीजेपी नेता के परिवार के घर जाकर दुख जताया। एक्शन में बनारस पुलिस। बीजेपी नेता पशुपतिनाथ सिंह की मौत के बाद एक्शन में आई वाराणसी पुलिस ने इस हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने 7 आरोपियों को जहां पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, तो वहीं रविवार की सुबह वाराणसी के लहरतारा इलाके में स्थित डीआरएम ऑफिस के पास मुठभेड़ के बाद 2 और बदमाशों को दबोच लिया। घटना में शामिल बदमाशों की तलाश में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम पहले से ही धरपकड़ में लगी हुई थी। किसी दौरान खबर मिली कि लहरतारा में डीआरएम ऑफिस के पास बदमाश मौजूद है। फिर क्या था, पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम वहां चेकिंग कर ही रही थी कि तभी बाइक सवार 2 बदमाश आते दिखे। पुलिस ने बदमाशों को रोका और सरेंडर के लिए कहा, लेकिन पुलिस ने जैसे ही रोका बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। फिर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग कर दी, जिसमें दोनों बदमाश घायल हो गए। राहुल सरोज और पवन नाम के दोनों बदमाशों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, थाना सिगरा में आज से करीब 3 रोज पहले 12 तारीख को रात्रि में एक बुजुर्ग व्यक्ति की लाठी और हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से मार के हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना सिगरा में हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ था 17 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ। अब तक उसमें 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और उनको जिला कारागार भेजा जा चुका है। आज प्रातः तड़के जो हमारी क्राइम ब्रांच की और सिगरा पुलिस की संयुक्त टीम अभियुक्तों को ट्रैक कर रही थी और अचानक डीआरएम ऑफिस के पीछे के इलाके में 2 बदमाश के साथ पुलिस का एंगेजमेंट होता है और पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने के लिए चैलेंज किया, लेकिन बदमाशों ने रिटेलिएटरी फायर किया, जिसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस पार्टी के द्वारा भी सेल्फ डिफेंस में फायर किया गया, जिसमें उन दोनों बदमाशों को वो घायल हुए हैं। उनके समुचित इलाज के लिए उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उनकी पहचान राहुल और पवन के नाम से हुई है। बाकी जो विधिक कार्रवाइयां हैं, जैसे कि मौके का सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करना, फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाना, ये सारी कार्रवाइयां मौके पे इस वक्त चल रही हैं। बनारस जैसे शहर में कानून को ताक पर रखकर जिस तरह से बीजेपी नेता की हत्या की गई, उसे बनारस से लेकर लखनऊ तक खलबली मच गई थी। यही वजह है कि इस मामले में पुलिस कमिश्नर ने तुरंत बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह की हत्या के सिलसिले में लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम पुलिस चौकी के इंचार्ज समेत सभी 9 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए।
बहरहाल बीजेपी नेता हत्याकांड के बाद से ही शहर में पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। पुलिस कमिश्नर की फटकार के बाद से पुलिस शहर के तमाम ठेकों पर छापेमारी कर हुड़दंगियों पर लगाम लगाने में जुट गई है। बहरहाल जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी नेता की हत्या की गई, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।